मैं डॉक्टर चांदनी जैन अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पर ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण के बारे में आपसे बात करने के लिए आई हूँ। अगर आपके बच्चे को सुनने में कमी है और आप उन्हें उसको मशीन लगा दी है और आपको लगता है कि वो बोल पड़ेगा, तो नहीं, ये गलत है। उसको पहले श्रवण प्रशिक्षण देना पड़ेगा ताकि वह बाकी बच्चों की तरह बोल सके। श्रवण प्रशिक्षण सुनने के अधिकतम उपयोग के लिए दिया जाता है। यह उन बच्चों को दिया जाता है जिनको कम उम्र में ही श्रवण यंत्र या कॉकलियर इम्प्लांट लगा दिया गया। ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण के चार प्रमुख चरण होते हैं। पहला, ऑडिटरी अवेयरनेस या श्रवण अभिज्ञता। दूसरा, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन या श्रवण विभेद। तीसरा, ऑडिटरी आइडेंटिफिकेशन या श्रवण पहचान। चौथा, ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन या श्रवण ग्रहण। अब मैं आपको इन चारों चरणों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। श्रवण अभिज्ञता पर हम आवाज की अनुपस्थिति या उपस्थिति पर काम करते हैं। इसमें बच्चे को सिर्फ यह बताना होता है कि उसने आवाज सुनी है या नहीं सुनी है। श्रवण प्रशिक्षण शुरू करने से पहले हमें यह देखना होता है कि मशीन ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर मशीन ठीक से काम कर रही है तो हम हमारा प्रशिक्षण शुरू कर सकते हैं। आद्या, आवाज आएगी तो गाड़ी आगे बढ़ाना है। आ, गुड गर्ल। आ, वेरी गुड। श्रवण प्रशिक्षण का दूसरा चरण है श्रवण विभेद, जिसपे हम काम करते हैं कि दो शब्द अलग हैं या एक हैं। हम दो बच्चों को शब्द देते हैं और बच्चे को ये बताना है कि दिए हुए शब्द एक हैं या अलग अलग हैं। जब मम्मा दो एक जैसे शब्द बोलेगी तो एक ही कलर के रिंग्स डालना है, दो अलग अलग शब्द बोलेगी तो अलग अलग कलर के रिंग्स डालना है। ठीक है, ओके। सुनो, पापा। वेरी गुड। उधर, पापा। वेरी गुड। श्रवण प्रशिक्षण का तीसरा चरण है श्रवण पहचान, जिसके अंदर हम बच्चे के साथ वस्तु की पहचान का काम करते हैं, जिसके अंदर बच्चा या तो वस्तु की ओर इशारा करके या नाम लेकर हमें बता सकता है। आद्या, अब मम्मा जानवरों के नाम लेगी और आपको बताना है कौन सा जानवर। ठीक है, सुनो। आद्या, मछली कहाँ है? ये वापिस। आद्या, हाथी कहाँ है? वेरी गुड। श्रवण प्रशिक्षण का चौथा चरण है श्रवण गहन, जिसके अंदर हम बच्चे को सुनकर समझने की पहचान कराते हैं। इसके अंतर्गत हम बच्चे के साथ बात कर सकते हैं और बच्चे को उस बात को समझना होता है। आद्या, मम्मा आपसे कुछ पूछेगी। आद्या, आज नाश्ते में क्या खाया? इडली। इडली खाई? आद्या, कितनी इडली खाई? दो इडली खाई आद्या ने। वाह। तो आपने देखा कि श्रवण प्रशिक्षण के चार चरण किस तरीके से किए जा सकते हैं और घर में उपलब्ध वस्तुओं के साथ यह बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए श्रवण प्रशिक्षण के बारे में तो आप अपने ऑडियोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि अपने दैनिक कार्यों में बच्चे की सुनने की क्षमता को प्रोत्साहित करें।
अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप अखिल भारतीय वाक्श्रवण संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।